संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी को चलाने एक बार फिर से कांग्रेस के बड़ी संख्या में नेताओं निकल पड़े, लोग देखकर हैरान हो चुकी है। बता दें कि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस देश भर में विरोध जता रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने आंदोलन तेज कर दिया है। बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मशाल रैली निकाली है। इसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी मशाल लेकर पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तानाशाह और लोकतंत्र को कमजोर करना बता रही है। दरअसल शनिवार शाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति रैली निकाली है। कांग्रेसियों ने हाथ में मशाल लेकर रायपुर के गांधी मैदान से आजाद चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक रैली निकाली है। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अडानी मामले पर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। दरअसल मशाल रैली के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि लोकतंत्र को बचाने कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ रही है। देश का पूरा विपक्ष जब अडानी के घोटाले की जांच की मांग कर रहा है तो मोदी सरकार जांच से क्यों डर रही है? जांच से किस खुलासे का भय मोदी को सता रहा है जो वह अडानी के घोटाले की जाँच नहीं करवा रहे हैं? हमने दुनिया में कोई तानाशाह को देखा है? जिस तरीके से कई तानाशाह आते हैं, इनमें से दो काम होते हैं। एक तो वे इस बात से बहुत डरते हैं कि लोग उनसे डरना ना बंद कर दें, और दूसरी बात तो वह अपने प्रतिद्वंदियों को मुंह बंद कराना चाहते हैं, यानी चुप करा देना चाहते हैं। इसके आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर बात नहीं करना है और बात नहीं बनी तो वह रास्ते के हटाने के लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। इतिहास के इन घोटालों से हम सभी वाकिफ हैं। तो जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी का माहौल फिर से चालू हो चुका है, फिर से मोदी के घेराव में हजारों की संख्या में लोग जुट चुके हैं, उसको लेकर मोदी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।